الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. ये आयत नंबर 168 और 169 और 170 170 तीन आयतें तिलावत की गई आपके इल्म है. सूरह बकरा है, दूसरा पारा चल रहा है. आज की आयतों में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क के हलाल का जिक्र फरमाया. हलाल चीज़ें खाओ, हलाल का हुक्म दिया. फरमाया ऐ लोगो कुलू मिम्मा फिल अर्ध हलाल तैयब, खाओ तुम उससे जो ज़मीन में है हलाल और तैयब. हलाल और तैयब दो चीज़ें साथ बयान फरमाया, हलाल भी और तैयब भी. तो खाने पीने के मामले में भी इस्लाम ने बड़ी एहतियात का हुक्म दिया. ये दीन हमारा सिर्फ नमाज रोज़े का ही दीन नहीं है या कुछ ख़ास वज़ाइफ़ ज़िंदगी अदा कर लेने कामल नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर मुहित है, तमाम एस्पेक्ट्स. और यहाँ तक कि हम क्या खा रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं और फिर कैसे इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें भी साथ साथ शामिल. आम तौर पर सिर्फ खाने के हवाले से हुक्म आता है कि हलाल खाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसका ताल्लुक़ खाने ही वाली चीज़ों से है. सिर्फ अशिया खुर्द और नोश इसका ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि तमाम वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, ख्वाह वो खाने की हों या पहनने की हों या इस्तेमाल की, खारजी इस्तेमाल की या दाखिली इस्तेमाल की, जो भी चीज़ें वो सब इसमें दाखिल हैं. लेकिन कुलू वशरबू खाओ और पियो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे बड़ा इस्तेमाल यही और सबसे बड़ी ज़रूरत यही. खाए और पिए बगैर आदमी नहीं रह सकता ना, बाकी चीज़ों के बगैर तो रह सकता है, ज़िंदगी मुमकिन है. खाना पीना जो है ये मेन चीज़ है, बुनियाद है, इसके बगैर रह नहीं सकता. तो इसलिए खाओ और पियो ये हुक्म आता है, हलाल खाओ. मगर इससे मुराद होता यही है कि हलाल खाओ, हलाल पहनो, हलाल ही इस्तेमाल करो, हलाल के अंदर ही रहो, हलाल से बाहर ना निकलो, ये इससे मुराद. तो इसलिए हमारा लुकमा भी हलाल होना चाहिए, हमारा कपड़ा भी हलाल होना चाहिए, हमारा जिस घर में हम रहते हैं वो घर भी हलाल होना चाहिए, जिस गाड़ी में हम सफ़र करते हैं वो गाड़ी भी हलाल होनी चाहिए, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो हमारे पास जायदाद है, जो हमारे पास सरमाया है और जो भी हमारे पास चीज़ें हैं वो सब हलाल होनी चाहिए. एक भी चीज़ अगर हमारी मिल्कियत में नाजायज ज़रिए से आई हुई है वो हमारे लिए काबिले मुआवजा होगी, उसका हमें जवाब देना होगा. अगर वो हराम है तो उसका हिसाब देना पड़ेगा. अच्छा, ख्वाह आपने उसको हाथ भी ना लगाया हो, आपने ले लिया, हासिल कर लिया और रखा हुआ है, आप उसके मालिक हो गए और रखा हुआ है, कभी आपने उसको हाथ भी नहीं लगाया, हाथ तो कुजा, आपने देखा भी नहीं चलिए, मगर आप उसके मालिक हो गए और वो जायज़ नहीं, नाजायज़ है, हराम है, नाजायज़ ज़रिए से आया, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा. और इंसान वैसे भी अपनी सारी मिल्कियत से फ़ायदा कहाँ उठा पाता, क्या जितने प्लॉट इंसान के पास होते हैं, जितने मकान, उन सब में रहता है वो? नहीं रहता. क्या जितना कपड़ा लट्ठा उसके पास होता है सब पहन लेता है दुनिया में? नहीं पहन पाता. बाद
जितना जेवर आलाइश वगैरह का सामान होता है घर में, क्या सब पहन लेती हैं ख़वातीन वगैरह? नहीं पहन पाती। जितने आपको गाड़ियाँ वगैरह होती हैं क्या सब इस्तेमाल कर लेते हैं? जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो सब ज़रूरी नहीं सब इस्तेमाल करें। तो बहुत सी चीज़ें इंसान के पास हैं। ये बैंकों में जो हमारा बैंक बैलेंस पड़ा होता है इतना करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया, जिसका बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, तो ये कभी इस्तेमाल में आएगा उसके? उनको भी पड़ा रहेगा, बल्कि और पीछे से भी चला आ रहा होता है। बाप दादों ने जमा किया है तो उन्होंने कभी नहीं उसको हाथ लगाया हुआ होता। वैसे बड़ा आदमी क्या खाता है? वही दो रोटी खाएगा बस, उससे दो रुपए की रोटी खाएगा और क्या खाएगा? और पड़ा हुआ है करोड़ों में अरबों खरबों में वो पड़ा हुआ है, वो बाद में हमारे पास आ गया, फिर हमसे हमारी औलाद के पास चला जाएगा, बस यूँ ही पड़ा रह जाता है सब। लेकिन इंसान उसको हराम जरिए से हासिल कर लेता है खुदा न खास्ता, और वो पड़ा हुआ बैंकों के अंदर मौजूद रहता है, तो अपनी कब्र के लिए इंसान आग भर के ले जाता है उसी की बकदर। करोड़ों का अगर हराम का पैसा है तो करोड़ों की आग भर के ले गया, अरबों खरबों का अगर हराम का माल है तो अरबों खरबों की आग भर के ले गया, और वो छोटी सी दो ढाई गज की कब्र के अंदर इंसान जो आग भर के ले जा रहा है तो उसमें उसका बनेगा क्या? उसमें आग, अल्लाह ताला उसको उसकी जब आग की लपेट में लेगा और उसको जब उससे वहाँ उससे सवाल जवाब फरमाएगा तो क्या बनेगा इंसान को? और कयामत के दिन इंसान कैसे जवाब देगा? इसलिए तो देखिए कहीं कहीं कुरान पाक ने फरमाया है हराम खाने के हवाले से, उलाइकमा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन्नार, ये हराम खाने वाले नहीं खाते हैं अपने पेटों में मगर आग, आग खा रहे होते हैं, ये आग भर रहे होते हैं हराम जरिए से जो कमा रहे होते हैं। और क़यामत के दिन के लिए फरमाया वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा। जो अपने पीछे ऐसा माल हराम का छोड़ के जाएंगे क़यामत के दिन अल्लाह उनसे बात करना पसंद नहीं फरमाएगा। जिससे अल्लाह क़यामत के दिन बात ना करे उसका अंजाम क्या होगा? ये ग़ैज़ो ग़ज़ब का इशारा है। वला युज़क्कीहिम, उनको पाक नहीं करेगा। यानी हराम का असर ऐसा है कि दुनिया में तो क्या आदमी पाक होगा, क़यामत के दिन भी अल्लाह ने फरमा दिया पाक नहीं करूँगा। ये ऐसा रगो पै में जा करके हमें इतना गंदा कर देता है, इतना गलीज कर देता है कि वहाँ तक भी कोई पाकी का इंतज़ाम नहीं। ये ऐसी चीज़ है। और हकीकत है कि जब हराम अंदर जाता है ना, ये हराम के ज़रिए से इंसान कमाता है और उसको खाता है, तो इंसान के अंदर उसके मुताबिक उसके असरात ज़रूर पड़ते हैं। हलाल के लुक्मे के असरात हलाल वाले होते हैं, पाक होते हैं, मुस्बत होते हैं, और हराम के लुक्मे के असरात हराम वाले होते हैं, नापाक होते हैं, मनफी होते हैं, बिल्कुल असर पड़ता है। फिर उसके बाद यही लुक्मा अंदर हमारे मिजाज पे असरअंदाज होता है, हमारी तबीयत पे, हमारे सोचने पर, हमारे फैसलों पर, हमारे ख्यालात पर बिल्कुल असरअंदाज होता है। ये खून की गर्दिश के साथ ही है ना सारा निज़ाम। तो जब उसमें हराम का अंसर शामिल हो गया तो फिर इंसान का सब कुछ तब्दील होगा, और फिर उसके बाद इंसान का जब बातिन तब्दील हो जाएगा और उसके अंदर नापाकी का असर चला जाएगा तो यही असर बाहर आएगा। फिर ऐसे शख्स से बाहर की दुनिया में अच्छे कामों की तवक्को ना कीजिए, खैर की तवक्को ना कीजिए, किसी बुलंद किरदार की तवक्को ना करें, किसी अच्छे पाकीज़ा अमल की तवक्को ना करें, किसी ऐसी तवक्को ना रखे भी उससे कि कोई मॉडल बन सकेगा, कोई मिसाल बन सके। अगर बहुत ऊंचे ओहदे मनसब पर भी पहुंच गया ना, कोई जोर लगा के कोई आजकल की ये जमहूरी चक्करों से गुजरता हुआ और वोट शोट लेकर किसी तरीके से पहुंच भी गया और बड़ा लीडर बन गया, बड़ा हाकिम बन गया, और लुक्मे हराम से पल बढ़ के बड़ा हुआ है और अंदर हराम के लुक्मे का असर गया हुआ है, तो बस वो ओहदे मनसब का ही बड़ा रहेगा, किरदार का बड़ा नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। उसकी तामीर में जो खराबी की सूरतें हैं, जो मुजमर हैं खराबी की सूरतें, उसमें एक ये है बहुत बड़ा फैक्टर कि लुक्मा हराम से उसकी परवरिश हुई है और हराम ही का ढेर लगा उसके इर्द गिर्द, तो उससे आप कभी
तवक्को नहीं कर सकते कि वो बड़ा आदमी बन के आएगा, कोई बड़ा कैरेक्टर उससे जाहिर होगा, कोई मिसाल आपके सामने बन सकेगा, कभी नहीं हो सकता। हमने अपनी तारीख में ये देख रहे हैं हम, और आज भी देख रहे हैं और कल भी देखते रहेंगे, यही बड़े बड़े लोग ओहदों के लिहाज से होंगे, पैसे के लिहाज से होंगे, लेकिन किरदार के लिहाज से नहीं। अल्लाह ताला ने एक बात इरशाद फरमाई है, या अय्युह रसूल कुलू मिन तय्यबात वअमलू सालिहा, दो चीज़ों को जमा किया। ऐ रसूलों की जमात, अपने रसूलों से फरमाया, जब रसूलों से ये बात की गई, रसूलों से तकाजा है, तो हमसे और आपसे तो बदर्जा औला है। और रसूलों के ऊपर जब लुक्मा हलाल का असर मुरतब हो सकता है, तो हम पे और आप पे तो बदर्जा औला होगा। लुक्मे का असर रसूलों की तबीयत मिजाज पे पड़ता है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ऐ रसूलों की जमात खाओ तय्यब, तय्यब खाओ, तय्यब इस्तेमाल करो, वामलू सालिहा और नेक काम करो, सालेह अमल करो, ये बता दिया कनेक्शन दोनों का, लुक्मा हलाल और नेक काम सालेह अमल, ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, ये मिले हुए, इसका असर उस पर हो रहा है, ये गोया कि उसकी तरह है। लुक्मा हलाल नेकी के मैकेनिज्म के लिए, सालेह मैकेनिज्म के लिए लुक्मा हलाल ग्रीस की तरह है, ग्रीस की तरह, जब लुक्मा हलाल अंदर गया तो वो ग्रीस मिल गया उसको, नेकी का मैकेनिज्म अब फॉरवर्ड हो गया, अब मशीन तैयार, अब वो पूरी तरह चलेगी, आसानी से अमल हो, ये बताया था। तो रब्त है, दोनों का रब्त है, ताल्लुक है, लुक्मा हलाल खाओ, तय्यब खाओ और अमल करो, सालेह नेक और सालेह अमल करो, बड़ी काम की बात है, बहुत बुनियादी बात है। और इसीलिए देखिए कहीं यही खाने पीने के हवाले से जिक्र किया, फरमाया कुलू वशरबू वला तासऊ फिल अर्दी, वला तासऊ फिल अर्दी मुफसिदीन, के खाओ पियो और ज़मीन में फसाद बचाते मत फिरो। तो ये असर है इसका, खाने पीने का मामला, इसका ताल्लुक, इसका असर हमारी अमली ज़िंदगी और हमारी इज्तिमाई एक्टिविटी के साथ है। तो इसलिए खाने पीने के साथ, कुलू वशरबू के साथ हमारी एक्टिविटीज़ को ज्वाइंट करके बयान किया है बहुत से मौक़ों पर। और आज के दौर में ये जो बेहयाई आम हो रही है, ये जो बदबख्ती फैल रही है मुआशरे में, ये जो हमारा मुआशरा बेरा रवि का शिकार होता जा रहा है, इसके बारे में यकीन रखिए कि हमारे लुकमों का भी असर है। आज के ज़राए आमदनी बहुत ज़्यादा मुश्तबा हो चुके हैं, आज हमारे ज़राए आमदनी के अंदर हर किस्म के अनासिर शामिल हैं, और आज लोगों ने परवाह करना छोड़ दी है। बहुत कम लोग हैं जो अपना लुकमा हलाल करने में लगे होते हैं या उसकी फ़िक्र करते हैं। आज आपके मुआशरे में रिश्वत कितनी आम हो गई है, आज आपके मुआशरे में लेन देन में मिलावट कितनी आम हो गई है, नाप तोल में कमी कितनी आम हो चुकी है, झूठ धोखा फरेब फ्रॉड कितना आम हो चुका है, काम चोरी कैसी रच बस गई है हमारे माहौल के अंदर, यहाँ हम अपनी ड्यूटियाँ पूरी ना करने के आदि हो चुके हैं और तनख्वाहें पूरी लेने के आदि हैं, तनख्वाहें पूरी लेना चाहते हैं, सरकारी महकमों में क्या हो रहा है, यहाँ तक कि इस कौम ने तो मेडिसिन जैसी चीज़ को नहीं छोड़ा, दवाओं जैसी चीज़ को नहीं छोड़ा, जो मरीज़ बेचारा मरता हुआ खाता है ज़िंदगी बचाने के लिए, उसके लिए ज़रूरी वो तक नहीं छोड़ी, लो तो बुनियादी चीज़ें भी नहीं छोड़ी, बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ें भी वो हमने नहीं छोड़ी खालिस, बीमारों के लिए भी दवाओं को खालिस नहीं छोड़ा, हत्या के जान बचाने की दवा भी हमने खालिस नहीं रहने दी, उसमें भी मिलावट और वो भी उसमें भी धोखा दे, हर चीज़ ये जो चल रहा है मुआशरे में, करप्शन बदउनवानी लूटमार धोखादेही फ्रॉड वगैरह वगैरह जालसाजी, अल्लाह अकबर, ये हमारे लुकमे को हराम बना रहा है, और ये सब ज़राए हैं वो हराम के, ये सब ज़राए हराम के, और भी बहुत सारे हैं जो मैंने नाम नहीं लिया, आप उसकी तफसील देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने देखिए ना दो चीज़ें फरमाई ना, हलाल और तय्यब, हलाल खाओ तय्यब, दोनों का फ़र्क बता रहा हूँ मैं इसी ज़मीन में। हलाल तो वो है जो कुदरती तौर पर अल्लाह ने हलाल पैदा किया, जो चीज़ें आपके खाने के लिए हलाल के तौर पर पैदा की गई हैं वो हलाल, जैसे सब्जी तरकारियाँ ये वो सब हलाल है ना, ऐसे गोश्त में जो जानवर हलाल हैं वो आप जानते हैं, ये तो ये हलाल हो गया, ठीक है। उसके बाद तय्यब, तय्यब का मतलब ये है कि अब उसको जब आप हासिल करें ना, तो उसका ज़रिया भी शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, हाँ वो शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। अगर आपने एक हलाल चीज़ को नाजायज़ ज़रिए से हासिल किया है तो वह हलाल तो था,
मगर तैयब नहीं, लिहाजा हराम है। अब वो हराम हो गया, अब उसका इस्तेमाल नाजायज़ हो गया। ये मुर्गी खाना हलाल है, लेकिन अगर चोरी की मुर्गी है तो फिर हलाल कैसे होगी? अगर खाई तो वो हलाल कैसे होगी? हराम होगी। क्या हो रहा है? अच्छा, तो इसलिए हराम जरिए से हासिल जो भी चीज़ होगी, चाहे वो खिलकतन हलाल थी तबन हलाल थी, हराम हो जाएगी। इसलिए अल्लाह पाक ने हलाल के साथ तैयब का भी जिक्र फरमाया। तो अब चोरी की, झूठ बोला, धोखा दिया, मिलावट की, रिश्वत ली, सूद खाया, सूद आम है नहीं, सूद का पैसा लिया, ये सब, और कोई कॉन्ट्रैक्ट था उसमें बेईमानी की, हुकूमत की का कोई जिम्मेदारी ड्यूटी जॉब उसके अंदर बेईमानी की, तनख्वाह लाल नहीं की मिसाल के तौर पर, डंडी मारी, टाइम पूरा नहीं दिया, वगैरह वगैरह, पता नहीं कितनी सूरतें हैं, क्या क्या बयान किया जा सकता है। गसब किया, जुल्मन किसी से लिया, छीना, किसी की भी रजामंदी के बगैर लिया। देखिए एक बात बहुत अहम है तैयब बनाने में चीज़ों को, कि अगर किसी की भी रजामंदी के बगैर कोई चीज़ ली है तो हराम हो जाएगी, वो हराम हो जाएगी। लिहाजा रजामंदी के साथ हासिल हो, आम तौर पे जो हम आपस में एक दूसरे लेन देन करते हैं रजामंदी के साथ लेंगे। तो हलाल तैयबा फरमाया, लोगों हलाल खाओ तैयब खाओ, ताकि तुम्हारे जहन साफ सुथरे रहें, तुम्हारी सोच पाकीज़ा हो, तुम्हारे ख्यालात मुकद्दस हो, तुम्हारा अमल सवाले हो, और तुम एक अच्छी शख्सियत बनो दुनिया में भी, और इसी हलाल तैयब के बाद ही तुम अब ये उम्मीद रख सकते हो कि तुम अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब या उसकी मारिफत हासिल कर सकते हो। हाँ, लुक्मा हराम के साथ बंदा बंदों में मतलब यह है कि वो अच्छा नहीं समझा जाता, तो खुदा के यहाँ कैसे उसको मकबूल समझा जा सकता है? कोई वली वली नहीं बन सकता जब तक उसके पेट में लुक्मा हलाल ना गया हो। लुक्मा हराम के साथ कोई वली नहीं बन सकता, कोई अल्लाह का कुर्ब नहीं पा सकता। हदीस में आया कि दुआ तक कबूल नहीं होती, अल्लाह का कुर्ब तो दूर की बात, वो दुआ जो जिसके लिए अल्लाह फरमाता है अम्मा युजीबुल मुद्दतर्रा इदा दाओ, कौन दुआ कबूल करता है मुस्तर की बेचैन की? वही तो। और फरमाता वो तो वो नहीं आस्ता जिबला, मांगो मुझसे मैं दूंगा। और जब तड़प के कोई मांगता है तो खुदा जुलजलाल की रहमत जोश पे आती है और कभी रद्द नहीं करती। आपने फरमाया मेरे महबूब, जब लोग आपसे पूछें मेरे बारे में कि मैं कहाँ हूँ, तो फैनी करीब, आप बता दें मैं करीब हूँ। वो जो ये फरमा रहा है दुआ कबूल करने के लिए, यहाँ तक फरमा रहा है, इतना करीब हो चुका उसके लिए। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब बंदे के लिए फरमाया, अब बंदा देखिए वो कब उसकी बारगाह में इस कीमती मौके और इस मौके गनीमत से भी महरूम हो जाता है, इतने सुनहरी गोल्डन चांस से भी महरूम हो जाता है कि वो फरमा रहा है मैं हर दुआ कबूल करने के लिए तैयार हूँ, और जब भी तुम बेकरार हो के दिल से मुझसे मांगो। मगर बंदा महरूम हो जाता है कब? फरमाया हुजूर ने कि एक बंदा इस हाल को पहुँचा हुआ कि उसके कपड़े अटे हुए, बाल भी गर्द में अटे हुए, सफ़र से लंबे सफ़र पर वो निकला हुआ, और फिर उसके बाद अपने रब को पुकार रहा है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी। ये बंदे की वो हालत है कि जो फ़ौरन कबूल होती है, मगर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अन्ना युस्तजाबु लहू, उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? कैसे? फरमाया इसलिए कि उसका उसकी गिज़ा हराम, उसकी गिज़ा हराम, उसका लिबास हराम, उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, ये सब कुछ तो हराम है। वगुज़िया बिल हराम, और हराम से परवान चढ़ा है वो, तो कैसे कबूल हो? अन्ना युस्तजाबु लहू, नहीं कबूल होगा। तो अल्लाह के कुर्ब की बात तो छोड़िए, दुआ भी ऐसे मौके पे कबूल नहीं हो रही जहाँ पे के हर एक की दुआ कबूल हो जाती है, इसकी कबूल नहीं होगी जिसके पेट में हराम गया। इसलिए हलाल का एहतमाम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे दीन ने, हमारा दीन हमसे जिस किस्म की सवालियत और पाकिजगी की तवक्को करता है, उसके मुताबिक हमें मेन्यू बना के देता है। वैसी वो चीज़ें खाएंगे जब आप, तो आप सवालियत तो पाकिजगी की तवक्को रखेंगे। अब जो अल्लाह ने हलाल पैदा किए ना चीज़ें, उसकी बात कर रहा हूँ, ये तो ज़राए के हवाले से कहा था मैंने अभी जो कुछ कहा। अब जो अल्लाह ताला ने हलाल पैदा किए चीज़ें, मिसाल के तौर पे हमारे लिए सब्ज़ी तरकारी की किस्म की चीज़ें सब हलाल हैं, क्योंकि ये
हमारे अंदर कोई मनफी असर पैदा नहीं करती। जितनी भी ये बूटियाँ हैं ना, सब्जी, तरकारी, घास फूस, जो भी नबातात की किस्म से हैं, दरख्त हैं, दरख्तों की से निकलने वाली चीज़ें हैं, उसकी जड़ें हैं, खाते हैं ना, बहुत सी जड़ें खाई जाती हैं, बहुत सी लकड़ी को जो चूसा जाता है उससे भी खुराक बनाई जाती है, और बहुत से पत्ते इस्तेमाल होते हैं, बाज़ दरख्तों के पत्ते आप सलाद वलाद ये वो चीज़ें बनाते हैं, खाते हैं, और जड़ें इस्तेमाल करते हैं, शाखों से फ़ायदा उठाते हैं, टहनियों से फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ तक कि मिसवाक बनाते हैं वो भी आप इस्तेमाल करते हैं। ये सब जड़ी बूटियाँ, ये सब हलाल और पाक, सिवाय उन जड़ी बूटियों के जिनसे नशा पैदा हो। वो जड़ी बूटी जो नशा आवर हो, बस जड़ी बूटियों में नशा होता है, वो मना है, वो मना है, क्योंकि हदीस पाक में कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा देने वाली चीज़ हराम है, ये एक उसूल बता दिया। तो ये वसी दुनिया हमारे लिए हलाल की गई, और ये वो चीज़ें हैं जड़ी बूटियाँ जो हमारी नेचर के मुताबिक हैं, ज़मीन से निकली है, और इसके अंदर कोई मुज़िर ऐसी बात आमतौर पर नहीं हो, लिहाजा ये सब चीज़ें हलाल ज़रिए से अगर हासिल की गई हैं बिल्कुल खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और उस हद तक खाएँ, इस्तेमाल करें जिस जब तक के फ़ायदा हो, और जहाँ नुकसान हो सेहत को, इसका भी ख्याल रखें, सेहत को नुकसान दे है तो फिर वहाँ वो चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। उसके बाद आ जाइए हमारे लिए गोश्त वगैरह के हवाले से, जानदारों के हवाले से, हमें जो जानवर हलाल किए गए हैं वो जानवर सारे वो हैं जो हमारी फितरत और मिजाज के करीब हैं, और जो हमारी फितरत और मिजाज के बिल्कुल दूर हैं, अपोजिट हैं या बहुत दूर हैं वो नहीं। आप देखें ना, घरों में पलते हैं बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा, गायें, भैंस, बैल वगैरह, ये ऊँट वगैरह, ये जानवर हैं, ये हमारे लिए हलाल किए गए हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे फैमिली के मेंबर होते हैं, फैमिलियर होते हैं, घर में रहते भी हैं, ये हलाल हैं बिल्कुल, और इनकी कुर्बानी भी होती है। इन जानवरों को एक बड़ा अहम मरतबा हासिल है, इनको अनाम भी कहा गया, अनाम जो कि बड़ा अच्छा प्यारा सा लफ्ज़ है, इसमें नरमी मुलायमत के माना पाए जाते हैं, इसलिए इनको अनाम कहा गया, इसी से लफ्ज़ नेमत बना है। अच्छा, फिर आगे कुछ और तौसी की गई है, कुछ और भी जानवर हलाल किए गए हैं, मगर वो भी ऐसे ही हैं जो इनके करीब करीब हैं, अगरचे हमसे थोड़े से दूर हो जाते हैं और घरों में नहीं पलते, मगर इन्हीं जानवरों की कबील से हैं, कुछ इन्हीं के हम मिजाज हैं, वो रहते जंगलों में। उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह मायदा में गालिबन, ओहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, ओहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, तुम्हारे लिए बहीमतुल अनाम, यानी अनाम जो अभी मैंने बताया, इसी किस्म के चौपाए ये हलाल किए गए हैं, ओहिल्लत हलाल किए गए हैं। अब वो क्या हो गए, जैसे खरगोश है, जैसे हिरन है, ठीक है ना, जैसे नीलगाय है, जैसे जेबरा है वगैरह वगैरह, ये रहते जंगलों में हैं मगर इन इसी किस्म के जानवरों में शुमार होते हैं। क्या मतलब, शिकार नहीं करते, मुर्दार नहीं खाते, ठीक है ना, दूसरे जानवरों पे हमला नहीं करते, शिकार करने के लिए हमला करते ना वो नहीं करते, मुर्दार नहीं खाते हैं, चीरफाड़ नहीं करते हैं, बल्कि क्या खाते हैं, घास फूस, सब्जी तरकारी, घास फूस जैसे ये खाते हैं अनाम। तो ये सब हमारे मिजाज के दायरे में एक दुनिया बना दी गई, बस ये खाओ, इससे आपको आपके मिजाज को जो ह्यूमन सेंस है और जिस पर ह्यूमन इंसान खड़ा है, जिस मिजाज पे, उस सेंसिबिलिटी को तकवियत दी गई है, उस माहौल को तकवियत दी गई है। तो ये ऐसे आदतों के जानवर हमारे लिए हलाल किए गए हैं, तो ये है इस्लाम की एहतियात। अच्छा, अब वो जो दरिंदा सिफत है, वो जो चीरफाड़ करते हैं, वो जो मुर्दार खाते हैं, वो जो हमसे भागते हैं और हमारे दुश्मन हैं, वो हराम कर दिए। उनमें जो सिफात है वो खुखारी की हैं, दूसरे को पकड़ के खा जाना, शिकार करना, कमज़ोर पे हमला करना, मुर्दार खाना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इनसे हमें बचाए। अब इससे इसलिए बचाया कि अगर ये चीज़ें हम खाएंगे तो इसका असर आएगा और हमारे किरदार में सफाकी पैदा होगी, खुखारी आएगी, यकीन है उसका असर। इसलिए इस्लाम को मतलूब ऐसा इंसान है कि जो रहम दिल हो, जो दूसरों के काम आने वाला हो, खैर खो, इसलिए उसकी खुराक में जो मेन्यू दिया है वो उसी के मुताबिक दिया, लिहाजा खुखार जानवर नहीं खा सकते और सफाकियत वाले जानवर नहीं खा सकते, मुर्दार खोर जानवर नहीं खा सकते, शिकारी जानवर नहीं खा सकते। अच्छा, यही उसूल परिंदों में, वो परिंदे जो दाना दुनका आपके
खाते हैं और सब्जी और नबतात वगैरह खाते हैं। ये परिंदे आमतौर पे आपके लिए ला लें, चिड़िया हैं, कबूतर है, तोता है, ये सब वो जानवर हैं। और इसी तरीके से मुर्गाबियाँ वगैरह हैं, ये खा सकते हैं आप। अच्छा, अब वो जानवर के जो शिकारी हैं परिंदों में, जो शिकार करते हैं, झपट्टा मारते हैं और मुर्दार खाते हैं, वो सब हराम है। कौवा है, चील है, बाज है, शिकरा है वगैरह वगैरह, ये सब हराम, क्योंकि इनकी भी वही आदत है जो उधर दरिंदों में थी। तो यहाँ भी बचाया आपको, ऐसे परिंदों को इस्तेमाल करें जो आपके हम मिजाज, आपके अंदर अच्छी आदत पैदा करें, खुखारी से दूर हैं, शिकार वगैरह करने से दूर, मुर्दार खोरी से दूर हैं। देखिए कितनी हिफाजत की गई है हमारी। एक और चीज़, ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं ज़मीन पर रहने वाले, जितने भी कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्ज, ये सब हराम, ये सब हराम किए गए। क्यों? इनके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा खसासत और दनात, इनका तो किरदार ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल पैरों में कुचले जाने वाले, और ये तो बिल्कुल जलील हालत में रहने वाले हैं, बिल्कुल जिल्लत के साथ जलील हालत है ना, ये नीचे ज़मीन में चलते हैं, मुंह रगड़ के अपना जिस्म लिटा के पैरों पे में आते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। और इनके अंदर कोई ऐसी शजात के कारनामे की कोई बात नहीं है, इनके कोई करेक्टर ज़ाहिर नहीं होता, इनसे कोई किरदार ज़ाहिर नहीं होता, ये तो बिल्कुल दनात की हालत में, खसासत की हालत। तो ये मक्खी मच्छर भी इसी हुकुम में आते हैं, वो भी गंदी चीज़ों पर बैठती हैं, वो भी छोटे छोटे हैं, दनात में आते हैं, खसासत लिए फिरते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो दना तो खसासत लिए हुए हैं, जिल्लत आमेजी के साथ रहते हैं, इनसे भी बचाए, ये भी नहीं खाओ, वरना तुम्हारे अंदर दनात पैदा हो जाएगी, खसीस हो जाओगे, कमीना सिफत हम बन जाएंगे, हमारे अंदर कमीना सिफतपन पैदा हो जाएगा, दनात पैदा हो जाएगी इनके खाने से, इसलिए इससे भी बचाए। तो दीन हमारा ये चाहता है कि हम आली ज़र्फ़ बने, बुलंद हौसला हो, बाकिरदार हो, पाक साफ पाक बाज, ये दीन हमारा हमसे चाहता है, लिहाजा इसी के मुताबिक हमें खाने पीने की इजाज़त देता है। और वो कौम है जिनके ग़िज़ाओं में ये सब चीज़ें शामिल हैं, देख लें वो तो इंसानों को पकड़ के काट के खा जाते हैं, ये सब कीड़े मकोड़े और कुत्ते बिल्ले खा रहे हैं वो आसरा नहीं करते जनाब, वो तो इंसानों को पकड़े और खा जाए, लड़ाइयों में ऐसा होता रहता है, पकड़ा खा गए, तो इसलिए उनके अंदर खुखारी है और खुए दरिंदगी है और सफाकियत है पूरी तरह। तो मुसलमान बहरहाल उसको सफाक होने से बचाया गया, उसको दनी और खसीस होने से बचाया गया है, मुसलमान के लिए बुलंद किरदार तजवीज़ किया गया है, मुसलमान को आला अखलाक के हामिल होना चाहिए, मुसलमान को पाकीज़ा सोच का मज़हर बनना चाहिए, यह हमारे दीन का मुतालबा है। इसी लिहाज से हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने की और बहुत सी चीज़ें ना खाने की के अहकाम दिए गए हैं। और उसके साथ मैंने पहले बता दिया कि फिर ज़राए भी हमारे क्या होने चाहिए, ज़राए भी जायज़ हों, जो चीज़ जायज़ हो उसके ज़रिया भी जायज़ हो, तो फिर हमारे लिए हलाल भी है और तैयब भी। आगे फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, क्योंकि खाने पीने में अक्सर इसी मिल्कियत के मामले में, हुसूल माल के मामले में इंसान शैतान के पीछे फौरन चलता है, फौरन सबसे ज़्यादा पैरवी शैतान की इसी मामले में होती है कि माल आ रहा है और हमारी जो है पोजीशन बढ़ रही है, हमारी हैसियत बढ़ रही है, इन चीज़ों में शैतान हमें फौरन काबू कर लेता है और लालच देता है और हर किस्म का लुकमा हमें खिला देता है। फरमाया शैतान के पीछे मत चलना, इन्नहु लकुम अदुव्व मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिसूई वल फहशा, फरमाया सिवाय इसके नहीं कि वो तुम्हें हुक्म देता है बुराई का और फाशा का, बेहयाई का, शैतान यही हुक्म देगा, बुराई करवाएगा, फाश करवाएगा, फाशा करवाएगा, बेहयाई करवाएगा। वन तकूल वल्लाह माला तालबुन, और तुमसे कहलवाएगा वो बात जो तुम जानते नहीं हो, अल्लाह पर, यानी अल्लाह पे बोहतान बंधवाएगा, वो ऐसी बात करवाएगा। आमतौर पे देखा आपने इंसान हुसूल माल के चक्कर में और लुकमा हराम के चक्कर में ऐसी बातें कर जाता है कि भाई ये जायज़ है मेरे लिए, मुझे अल्लाह ने दिया है, मेरे लिए हलाल है, अगर मैं हराम होता तो मुझे खुदा देता क्यों, मेरे लिए अल्लाह ने दरवाज़ा खोला, ये अल्लाह पे बोहतान बांध रहा है, यानी अल्लाह ने तो उसे हराम करार दिया था और ये उसे हलाल करार दे के और अल्लाह पे बोहतान बांध के उससे इस्तिफादा करना चाह रहा है, ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अब शैतान ने यहाँ तक पहुँचा दिया इंसान को, इसलिए अल्लाह ने पहले ही बता दिया कि शैतान के पीछे ना चलना, वरना वो तुम्हारे दीन ईमान को ही भस्म करके रख देगा। और उसके बाद आखिरी बात, वैदा अकील लहुमुत्तबिउ मा अनज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, ये मुशरिकों का जिक्र कि जब उनसे कहा जाता है कि
पैरवी करो उसकी जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो वो जवाब देते हैं कि हम तो पैरवी करेंगे, बल्कि हम पैरवी करेंगे उसकी जो जिस पे हमने अपने बाप दादों को पाया। ये है वो अंधी तकलीद, ये तकलीद है, वो जो शिर्क है ना वो ये है, यानी शिर्क को कुफुर के रास्ते में किसी की पैरवी करना। देखिए तकलीद जब शिर्क को कुफुर के रास्ते में हो तो शिर्क है, तकलीद जब गुनाह हराम के रास्ते में हो तो गुनाह है, और तकलीद जब नेकी और सवाब के रास्ते में हो और हिदायत के रास्ते में तो ऐन हिदायत है। तो हमें जिस तकलीद का हुक्म है वो ये वाली आखिरी तकलीद, यानी हिदायत के रास्ते में, और किन की? उलमा की, आइमा की, मशाइख की, इनकी पैरवी और तकलीद करने में कोई मुजायका नहीं, बल्कि दीन की हिफाजत इसी में ही है। कुरान में बहुत सारी आयतें हैं, मैं इसके मौके पे इंशाल्लाह कभी पढ़ूंगा। अभी यहाँ मुशरिकीन की तकलीद का, अंधी तकलीद का जिक्र है, फरमाया कि ये मुशरिकीन जवाब में कहते हैं कि हम तो उस पर चलेंगे जो हमारे बाप दादा करते आए। आगे बता दिया ये इन्होंने मुकम्मल कुफर शिर्क का रास्ता पकड़ा। अब अलव काना अबा ला याकिलून शैय वला यातदून, खा इनके बाप दादे कोई चीज समझते ना हो और ना वो हिदायत पर हो, फिर भी उनके पीछे चलेंगे। ये है वो वजह, बुरी चीज ये इसलिए है, मजम्मत इसकी इसलिए हो रही है, ये तकलीद इसलिए कुफर और शिर्क हो रही है कि इनके बाप दादे हिदायत पर ही नहीं, वो तो खुद काफिर थे, मुशरिक थे। लिहाजा इन मुशरिकों की तकलीद यकीनन कुफर भी है, शिर्क भी है। अब लोगों ने ये समझा इस आयत को पढ़ के कि ये जो मुसलमान इतने बड़ी तादाद में और एक ज़माने से, कितनी सदियों से, कोई 1200-1300 साल से मुसलमान तकलीद कर रहे हैं, और हनफी शाफी मालिकी हम्बली चार मसलकों के अंदर बटे हुए नज़र आते हैं पूरी दुनिया के अंदर, बड़े बड़े औलिया भी इसमें हो, उलमा मशाइख, आज कितने जरी हो गए लोग कि वो कितने आराम से कह देते हैं कि ये सारी तकलीद वही है जो मक्के के मुशरिक किया करते थे। और ये आयत पढ़ते हैं सबके लिए और पूरी उम्मत को अबू जहल अबू लहब के बराबर में बिठा देते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बताइए अगर ये 1200-1300 साल की पूरी उम्मत अगर अबू जहल अबू लहब के बराबर में बैठी हुई है, तो ये दो चार मौलवी जो आज पैदा हुए हैं ये वहाँ से कैसे अलग हो गए? इनको किसने हिदायत दे दी? इतनी बड़ी उम्मत ये सब गुमराह हो गई और शिर्क में मुब्तला हो गई, क्या जन्नत में सिर्फ चार मौलवी जाएंगे? क्या सिर्फ एक फिरका जाएगा? ये चंद हज़ार जो आज पैदा हुए सिर्फ यही जन्नत में जाएंगे, बाकी सारे मुशरिक हो गए? तो कैसी बातें हैं ये, किसी की अकल में आ सकती हैं? और फिर इमाम आज़म व हनीफा जैसी हस्तियों की पैरवी करना क्या वो इस जुमरे में आता है? उनके लिए ये कहा जा सकता है कि वो ला याकिलून और वला याहतदून, ना वो कुछ समझते थे ना हिदायत पर थे, ये कहा जाएगा उनके लिए? कैसे हो सकता है? दाता अली हुजवेरी जैसे बुजुर्ग, कितने बड़े बुजुर्ग हैं, औलिया इकराम में कितना बड़ा मकाम है, वो हज़रत इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम करार देते हैं, इमाम इमामा कहते हैं, इमामों के इमाम हैं वो, और उनकी तकलीद पे फख्र करते हैं। दाता साहब जैसे बुजुर्ग जिनके दम कदम से यहाँ इस्लाम की बाहर आई और यहाँ पे हम मुसलमान हो, तो ये कैसे फिरके बन गए और क्या ख्यालात हैं कि पूरी उम्मत पे हमला, उनकी सोच पे, फिक्र पे, अमल पे हमला करते हैं और ऐसी तबलीग करते हैं जिससे कि सारी उम्मत जो है गुमराह साबित हो जाती है और चंद लोग सिर्फ जो है वो हिदायत पे होने का दावा करते हैं? यकीनन ये बड़ी बुनियादी खराबी है और इसके साथ उम्मत में कभी इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा नहीं हो सकेगा। और ये हमारे लिए यकीनन इससे हम अपनी तारीख से, अपने असलाफ से भी बदगुमान होने लगेंगे। अल्लाह ताला महफूज रखे और हमें अपने आइम्मा अकाबिर बुजुर्गों के रास्ते पे चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।